हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं थैनोस की एमसीयू की ओरिजिन के बारे में कि थैनोस की एमसीयू के यूनिवर्स में ओरिजिन कैसी है, क्योंकि कॉमिक बुक के यूनिवर्स में सभी को पता है कि थैनोस की ओरिजिन क्या है और थैनोस कैसे स्ट्रगल कर पाया है अपने बचपनों के दिनों में, जिसके बाद उसकी ज्यादा अटैचमेंट डेथ से हुई थी। लेकिन एमसीयू की फिल्मों में थैनोस की ओरिजिन काफी हद तक अलग है, जिस पर हम अभी नजर डालेंगे। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे शुरू करते हैं थैनोस की ओरिजिन की डिटेल। सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको नहीं पता है कि थैनोस की एमसीयू की ओरिजिन कहां से आई है, तो मैं एक बार उन्हें याद दिला दूं। थैनोस की सारी की सारी ओरिजिन्स की डिटेल मुझे मिली है थैनोस की नॉवेल थैनोस टाइटन कंज्यूम से। खैर, तो अब इस बात को साइड में रखकर सीधे आते हैं थैनोस की ओरिजिन पर, जिसमें हमें बताया जाता है कि थैनोस का जन्म टाइटन प्लैनेट के इंटरनल सिटी में हुआ था, जिस पूरे के पूरे शहर की डिजाइन थैनोस के फादर एलार्स ने बनाया था। यानी उनकी उस शहर में काफी ज्यादा चलती है, लेकिन सब कुछ अच्छा चलेगा तो चीजें ठीक कैसे आगे बढ़ेगी। ऐसे में यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एलार्स को, और वो प्रॉब्लम एलार्स की वाइफ सुजैन को होती है, जिससे अब एक बेटा हुआ है। और उस बेटे की शक्ल देखकर सुजैन पूरी तरीके से पागल हो गई है, क्योंकि उनका बेटा सही तरीके का नहीं दिखता है। यानी थैनोस का जो रंग है पर्पल, वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लाता है, और वो प्रॉब्लम है डेथ की। क्योंकि इंटरनल सिटी के लोगों का मानना ये है कि जब भी उस सिटी में कोई मरता है, तो उन लोगों को मरने के बाद पर्पल शाउड में डाला जाता है। यानी थैनोस कोई भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। और वहीं उसका दूसरा एग्जांपल है कि थैनोस काफी फास्ट बढ़ रहा था, जैसे कि थैनोस छठे महीने में ही चलने लग गया, और थैनोस के पहले जन्मदिन के आते आते थैनोस सही तरीके से बात भी करने लग गया। और ये चीजें लोगों को काफी अजीब लग रही थी, यहाँ तक कि खुद थैनोस के फादर को भी, क्योंकि जिस तरीके से थैनोस में बदलाव हो रहे थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। और फिर थैनोस एक्सपेरिमेंट करने लग गया, तब जब थैनोस 6 साल का था। 6 साल की उम्र में उसने उसके फादर की एक खराब एंड्रॉइड चीज को रिपेयर कर बिल्कुल ओके कर दिया, जो कि एक नामुमकिन चीज थी, क्योंकि थैनोस के फादर उस प्लेनेट के सबसे होशियार इंसान थे और उन्होंने ही काफी अलग अलग चीजों का इन्वेंट किया था। लेकिन जो एंड्रॉइड चीज खराब हुई थी उन्हें वो खुद रिपेयर नहीं कर पाए थे। ऐसे में थैनोस ने इस चीज को रिपेयर कर ये बता दिया था कि अब टाइटन प्लेनेट पर उनसे भी ज्यादा स्मार्ट इंसान आ गया है। और फिर वक्त आया थैनोस के स्कूल जाने का, जहाँ पर थैनोस के जाते ही सभी बच्चों के माता पिता काफी डरने लगे कि ये अजीब सा दिखने वाला बच्चा उन लोगों के बच्चों को हार्म न करे। इसलिए ज्यादातर तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहकर स्कूल भेजते थे कि वो लोग उस अजीब से दिखने वाले बच्चे से दूर रहे। और इसी रीजन की वजह से थैनोस अकेला फील करने लगा, और ये चीज थैनोस के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने स्कूल में जाकर काफी लोगों को चिल्लाया, जिसके बाद एक बच्चा आगे बढ़कर आया, जिसका नाम था सेंटा, जो आगे चलकर थैनोस का बेस्ट फ्रेंड बना। उसके बाद थैनोस के फादर को ये लगने लगा कि अब थैनोस को हकीकत बता देनी चाहिए कि असल में उसकी माँ मरी नहीं और वो जिंदा है, जिन्हें एक असाइलम में रखा गया है। और थैनोस वहाँ पर जब अपनी माँ से मिलने जाता है, तो वहाँ पर उसे एक डॉक्टर रोकता है और ये कहता है कि उसे उसकी माँ से मिलने की इजाजत नहीं है। और इस टाइम पर थैनोस काफी डिप्रेशन में था, और एक हिसाब से बहुत गुस्से में भी, क्योंकि अब तक थैनोस को सिर्फ यही लग रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया में उसे जन्म देने के बाद ही मर गई थी। लेकिन अब सच्चाई कुछ और थी, और इसी टेंशन में थैनोस अपना पहला खून करता है, और वो खून उस डॉक्टर का होता है। लेकिन जैसे ही थैनोस उस डॉक्टर को मारता है, तो उसे पता चलता है कि असल में ये एक एंड्रॉइड रोबोट है, जिसे खुद थैनोस के फादर ने बनाया है। जिसके बाद वहाँ पर और भी एंड्रॉइड आ जाते हैं, और फिर थैनोस के पिता आकर वहाँ पर थैनोस को मना कर देते हैं कि वो अपनी माँ को इस वक्त ना देखे। और दिन गुजरता जाता है, जहाँ पर अब थैनोस 20 साल का हो गया है और पूरे टाइटन प्लेनेट पर सबसे ज्यादा स्मार्ट भी। लेकिन अभी भी थैनोस को बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि अब तक थैनोस अपनी माँ से नहीं मिल पाया है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए थैनोस का दोस्त सेंटा उसे एक क्लब ले जाता है, जहाँ पर थैनोस की मुलाकात एक लड़की से होती है, और वो लड़की थैनोस को पहली बार किस करती है। और ये फीलिंग थैनोस के लिए काफी खास होती है, क्योंकि अब तक थैनोस के इतने करीब आज तक कोई नहीं आया। इसलिए ये लड़की थैनोस के लिए काफी ज्यादा खास थी, क्योंकि उस लड़की को लेकर थैनोस की एक अलग ही फीलिंग थी। यानी एक हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि वो लड़की थैनोस का पहला प्यार हो सकती थी। खैर, तो उसके बाद थैनोस को एक अलग ही फीलिंग आती है, और ये फीलिंग थैनोस को थैनोस की माँ की याद दिलाती है, क्योंकि ऐसा प्यार थैनोस बचपन में अपनी माँ से चाहता था, जो उसे आज तक नहीं मिला। इसलिए अब यहाँ पर थैनोस ये डिसाइड कर लेता है कि उसके फादर जरूरी काम से कहीं बाहर गए हैं, और ये एक अच्छा मौका है उसकी माँ से मिलने का। इसलिए थैनोस सीधे जाता है अपनी माँ से मिलने, जहाँ पर काफी सारे गार्ड्स एंड्रॉइड रोबोट है। लेकिन यहाँ पर थैनोस, जैसे कि मैंने बताया, काफी ज्यादा स्मार्ट है, और वो उन सभी रोबोट्स को हैक कर लेता है, जिसके बाद थैनोस पहली बार जाकर अपनी माँ से मिलता है। और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि असल में मैट टाइटन का जो
बैटल है वो पहले थैनोस का नहीं बल्कि थैनोस की माँ का था, क्योंकि एक हिसाब से वो पागल थी और उन्हें मैड टाइटन ही कहा जाता था। तो थैनोस अपनी माँ की ये हालत देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ये ट्राई करता है कि वो अपनी माँ की हेल्प करे। ऐसे में थैनोस अपनी माँ का एक डीएनए सैंपल लेता है ताकि वो पता लगा सके कि असल में उसकी माँ को कौन सी बीमारी हुई है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी सामने नहीं आता है और ये चीज थैनोस को काफी ज्यादा और निराश कर देती है। यानी थैनोस इतना ज्यादा स्मार्ट है लेकिन अब वो अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता। इसलिए थैनोस ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी माँ को तो नहीं ठीक कर पाया लेकिन वो अपने प्लेनेट के लिए कुछ अलग करना चाहता है। और यहाँ पर थैनोस अपनी एक अलग ही रिसर्च शुरू करता है पूरे के पूरे टाइटन प्लैनेट्स को लेकर, ताकि एक अलग एक्सपेरिमेंट कर वो टाइटन वालों को एक अलग ही चीज गिफ्ट करे। ऐसे में थैनोस काफी सालों तक रिसर्च करता रहता है टाइटन प्लैनेट पर और एक दिन उसे काफी भयानक चीजें पता चलती है टाइटन प्लैनेट से रिलेटेड, जिसकी रिजल्ट थैनोस कुछ इस तरीके से बताता है कि टाइटन प्लैनेट ओवर पॉपुलेशन हो गया है और जिस तरीके से दिन ब दिन इस प्लैनेट पर रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वो इस प्लैनेट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में टाइटन प्लैनेट काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं जिससे ये पूरा का पूरा टाइटन प्लैनेट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी अब टाइटन प्लैनेट के पास ज्यादा दिन नहीं बचे और ये चीज थैनोस जाकर अपने फादर को भी बताता है, लेकिन थैनोस के फादर उसकी उस बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि थैनोस की अभी उम्र ही क्या है। तो अब थैनोस के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो ये बात जाकर सभी टाइटन प्लैनेट्स पर रह रहे लोगों को बताए, क्योंकि उनका भी ये जानने का हक है कि कैसे टाइटन प्लैनेट बर्बाद होगा। तो जब थैनोस ये डिसाइड कर लेता है तो थैनोस एक बहुत ही बड़े इवेंट में जाता है जहाँ पर थैनोस खुद को रिप्रेजेंट करता है उसके फादर के नाम से, ताकि लोग उसकी बातें सुने। और फिर थैनोस वहाँ पर सभी टाइटन वासियों को ये बताता है कि टाइटन प्लैनेट पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, जिसके बाद वहाँ पर बैठे काफी बड़े बड़े लोग थैनोस से इसका सोल्यूशन पूछते हैं, जिसके बाद थैनोस उन्हें सोल्यूशन बताता है कि टाइटन प्लैनेट पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, इससे नेचुरल डिजास्टर रुक जाएगी और लोगों को ये बात कई हद तक ठीक नहीं लगती। जिसके बाद थैनोस उन्हें एक दूसरा ऑप्शन भी देता है, जिससे सुनने के बाद सभी टाइटन पर रह रहे लोग पूरी तरीके से भड़क जाते हैं और उन लोगों को थैनोस का ये प्लान कोई भी एंगल से सही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर थैनोस टाइटन पर रह रही आधी पॉपुलेशन को मारने की बात करता है। इससे प्लैनेट का संतुलन बिल्कुल बरकरार रहेगा और टाइटन प्लैनेट को कुछ भी नहीं होगा। और फिर जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पर टाइटन के और भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, जो लोग उसके बाद ये फरमान सुना देते हैं कि थैनोस टाइटन प्लैनेट के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है और जल्द से जल्द थैनोस को टाइटन प्लैनेट से निकाल देना चाहिए। ये बात सुनकर थैनोस काफी ज्यादा उदास हो जाता है और खुद ही ये डिसाइड कर लेता है कि वो टाइटन प्लैनेट को छोड़कर चला जाएगा, भले से ही यहाँ पर उसके पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड और वो लड़की छूट जाए, क्योंकि वो लोग अब उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो थैनोस टाइटन वालों को उनके हाल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अगर थैनोस ऐसा नहीं करेगा तो उसे प्लैनेट से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। वेल, तो ये स्टोरी हो गई यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद अगले पार्ट की स्टोरी मैंने आपको उसकी पिछली वाली वीडियो में बताई थी, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जब थैनोस को प्लैनेट पर से निकाल दिया गया था तब थैनोस ने क्या क्या गुण खिलाए थे और थैनोस कैसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, यहाँ तक कि थैनोस के पास आउटराइडर्स और चितौरी की आर्मी आई कहाँ से थी। और उसके बाद उसकी अगली वीडियो में मैंने आपको ब्लैक ऑर्डर्स और नेब्यूला और गमोरा के बारे में बताया था कि कैसे थैनोस ने इन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था। तो अब इसकी अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिवर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद कि क्या थैनोस अपने प्लैनेट टाइटन पर गया था या नहीं, और वहां पर जाकर क्या सच में थैनोस ने ही वहां की आधी पॉपुलेशन खत्म की थी, और क्या उस पूरे टाइटन प्लैनेट को थैनोस ने खुद बर्बाद किया था या नहीं। और अगर वहां पर थैनोस ने आधी पॉपुलेशन खत्म की थी तो क्या थैनोस ने अपने पेरेंट्स, अपने बेस्ट फ्रेंड और उस लड़की को भी मारा था या नहीं। ये सारी की सारी डिटेल आपको इसकी अगली वीडियो में मिल जाएगी, ताकि आप भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहो एमसीयू के यूनिवर्स से, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कॉमिक बुक की ओरिजिन और एमसीयू की फिल्मों की ओरिजिन काफी अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है। और अगर ये दोनों ही चीजें सेम रहेगी तो फिर लोग फिल्मों से अच्छा कॉमिक बुक ही पढ़कर अपना नॉलेज वहीं से ज्यादा ले लेंगे। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि थैनोस की ये ओरिजिन आपको पसंद आई है या नहीं, क्योंकि सच में थैनोस की ये ओरिजिन कॉमिक बुक से काफी ज्यादा अलग है। क्योंकि अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में हमें वहां पर डेथ के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसकी वजह से थैनोस ने पूरे के पूरे टाइटन प्लैनेट को बर्बाद कर दिया था, और उसी की चाहत में थैनोस बस आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि थैनोस डेथ के प्यार में पड़ गया था। लेकिन जब कॉमिक बुक में थैनोस अपने फादर से मिला था तो मरने से पहले उसके फादर ने थैनोस को ये बताया था कि थैनोस के साथ ऐसी कोई भी डेथ नाम की लड़की नहीं है, यानी डेथ सिर्फ और सिर्फ थैनोस की एक सोच ही है कॉमिक बुक में। लेकिन एमसीयू के यूनिवर्स में चीजें बिल्कुल अलग है और यहाँ पर थैनोस खुद को सेवियर समझता है, यानी थैनोस के हिसाब से जो चीजें थैनोस कर रहा है वो बिल्कुल सही है। यानी एक हिसाब से थैनोस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटाकर सभी यूनिवर्स पर एहसान ही कर रहा है। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं।
आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।